ऋतिक रोशन बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी और दोस्तों बहुत ही खास मूवी लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों यह मूवी एक जॉम्बी वाली होगी, क्योंकि इन्होंने एक हॉलीवुड की मूवी आई थी 2007 में, आई एम लीजेंड। दोस्तों इस मूवी का इन्होंने राइट्स खरीद लिए हैं। देखते हैं कि इस मूवी पर काम कब तक शुरू कर पाते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा है कि यह मूवी तो बहुत ही बड़ी होने वाली है, तो हम इस पर काम बहुत ही संभल कर करना चाहते हैं। रामचरण और कियारा आडवाणी की मूवी आने वाली है गेम चेंजर, जो कि दोस्तों हमें 10 जनवरी 2025 को दिखने वाली है। और दोस्तों इसी मूवी का टीजर बहुत ही जल्द 9 नवंबर को आने वाला है। दोस्तों खबर आई थी कि जो मूवी आने वाली है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, इसमें हमें श्रद्धा कपूर का आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये खबर झूठी है और अब इसमें श्री लीला का आइटम सॉन्ग देखने को मिल सकता है। इनके अलावा हमें इसी मूवी में समंथा प्रभु का भी आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा। और दोस्तों पुष्पा 2 5 दिसंबर को आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी आने वाली है अल्फा, जिसमें कि हमें आलिया भट्ट और सरवरी बाग देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों इसी मूवी की कैमियों के लिए ऋतिक रोशन भी 9 नवंबर से अपनी शूटिंग करने वाले हैं। और दोस्तों ये मूवी हमें 25 दिसंबर को देखने को मिलेगी। अजय देवगन की सिंघम मगैन में हमें सलमान खान का कैमियो देखने को मिला, भले ही छोटा था लेकिन दोस्तों मजा तो बहुत ही आया। और दोस्तों अब सलमान खान से लेकर एक न्यूज आ रही है कि इनकी जो मूवी आने वाली है सिकंदर, इस मूवी की शूटिंग जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी और नवंबर से हैदराबाद में इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। और दोस्तों सिकंदर मूवी हमें 30 मार्च 2025 को देखने को मिलेगी।